अरे श्याम भाई। अरे सागर भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, तुझे बहुत ठंड लग रही है आजकल। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये जैकेट क्यों पहन के घूम रहा है मार्च के महीने में? अरे ये थोड़ी सी यार तबीयत गड़बड़ लग रही थी तो पहन ली। दवाई ववाई ले ली? हाँ ले ली, दवाई ले ली। चल ध्यान रख, चल मिलते हैं, बाय। अरे आ गया तू बेटे? हाँ पापा आ गया। आजा आजा मेरे पास बैठ। आता हूँ पापा। आजा बेटे आजा। और बेटा तबीयत तो ठीक है ना? अरे पापा कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा जब तू ठीक है तो इतनी गर्मी में जैकेट क्यों पहन रखा है बेटे? अरे पापा ऐसे ही जैकेट पहन ली थी, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। देख बेटा अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तू क्या उसे नहीं बताता? मुझे सच सच बता तबीयत कैसी है तेरी? हाँ पापा तबीयत ठीक है, बस थोड़ी सी ठंड लग रही थी और कुछ नहीं। अरे बहू बहू। जी पापा जी। अरे जरा देखो शाम को क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ दवाई दे दो और गर्मा गर्म चाय पिलाओ मेरे बेटे को। जी पापा जी। अच्छा बेटे तब तक चाय बने, तुम कमरे में जाके कपड़े बदल लो और आराम कर लो। है जी पापा, मैं आता। आ गई तुम? सॉरी। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी प्यारी पत्नी अगली बार आप कभी भी मेरी शर्ट प्रेस करो ना तो या तो यहाँ से दला लेना या नीचे से, क्योंकि अगर सेंटर से दलाओगी ना तो अगले महीने तक ये जैकेट पहनने लायक बचूंगा नहीं मैं, बहुत गर्मी पड़ रही है। ठीक है अब आप भी मेरी खिंचाई कर लो, आपको तो पता है ना मुझे प्रेस करना नहीं आता, मुझसे कपड़े जल जाते हैं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नाराज मत हो। अरे अब हंसने क्यों लगी, ऐसा क्या देख लिया, जोकर लग रहा हूँ क्या मैं? वैसे आप जैकेट पहना बहुत फनी लग रहे हो। अच्छा वो कैसे? ऐसा लग रहा जैसे दिल्ली में ना कश्मीर के लोग आ गए हैं। ठीक है बना लो तुम भी मजाक, हुआ तुम्हारी वजह से ये सब। कहा ना सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। ठीक है कोई बात नहीं। आपको पता है आज मैंने आपके फेवरेट बनाए राजमा चावल, जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ। ठीक है राजमा चावल अभी आता हूँ।